आईपीएल में शुरू हुआ है नया युग, जहां एक तरफ लीग की टॉप टीम्स पहली बार संघर्ष करते दिख रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर पहली बार आईपीएल का हिस्सा बनने के बाद दोनों नई टीमों ने इस सीजन जबरदस्त खेल का प्रदर्शन करते हुए बाकी टीमों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं, जिसके बाद आईपीएल 2022 के अंक तालिका में गुजरात और लखनऊ ने अपना वर्चस्व कायम किया है। वहीं मुंबई इंडियंस जैसी दिग्गज टीम पहली बार आईपीएल इतिहास में 6 मुकाबले हारकर लगभग टूर्नामेंट से बाहर होने की दहलीज पर खड़ी हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, अभी भी एमआई के लिए एक आखिरी उम्मीद बाकी है, जिससे एमआई पलटन कर सकती है वापसी और टॉप 4 में भी हो सकती है शामिल। तो आखिर एमआई वर्सेस एलएसजी मैच के बाद कैसी दिख रही है टीमों की स्टैंडिंग्स और कैसे मुंबई पहुंच सकती है अभी भी प्लेऑफ्स में, ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, आईपीएल 2022 के 26वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस अपनी पहली जीत की तलाश में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 2-2 हाथ करने मैदान में उतरी, लेकिन पहली ही पारी में कप्तान केएल राहुल के धमाकेदार शतक के दम पर लखनऊ ने मुंबई को बैकफुट पर ढकेल दिया और फिर गेंदबाजों ने अपना पूरा दमखम दिखाते हुए एमआई की बैटिंग को एक्सपोज करते हुए उनके पहले जीत के सभी मंसूबों पर पानी फेर दिया और इसी के साथ आईपीएल इतिहास में पहली बार मुंबई इंडियंस को लगातार 6 बार हार का मुंह देखना पड़ गया है और वो इसी धमाकेदार जीत के बाद केएल राहुल की लखनऊ सुपर जायंट्स ने अंक तालिका में जबरदस्त छलांग लगाई है और लीग की दूसरी नई टीम गुजरात टाइटंस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी दिखाई दे रही है। एक नजर अगर एमआई वर्सेस एलएसजी मैच के बाद पॉइंट्स टेबल पर डालें तो फिलहाल इस अंक तालिका में गुजरात टाइटंस शिखर पर मौजूद है। हार्दिक पांड्या की टीम ने 5 में से 4 मुकाबले जीतकर 8 अंक अर्जित किए हैं और टेबल की चोटी पर खड़ी है और इसके ठीक बाद लीग की दूसरी नई टीम लखनऊ सुपर जायंट्स ने मुंबई इंडियंस को हराने के बाद जबरदस्त छलांग लगाई है और 6 में से 4 मुकाबले जीतकर अंक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंच गई है और केएल राहुल की टीम के 6 मुकाबले में 8 अंक हैं और ये दोनों नई टीम पहले ही सीजन में काफी धमाकेदार खेल का प्रदर्शन कर रही हैं। इसके बाद नंबर 3 पर राजस्थान रॉयल्स है, जिसके 5 मुकाबलों में 3 जीत और 2 हार हैं। वहीं 4थे पर पंजाब किंग्स खड़ी है। पंजाब ने भी 5 में से 3 मुकाबले जीते हैं और 6 अंकों के साथ टॉप 4 में बरकरार है। लेकिन लखनऊ के ऊपर आने से कोलकाता नाइट राइडर्स को नुकसान हुआ है। कल हैदराबाद से मिली हार और आज लखनऊ की जीत के बाद अब केकेआर टॉप 4 से बाहर हो चुका है। कोलकाता के पास 6 मुकाबले में 3 जीत और 3 हार के साथ 6 अंक हैं और वो 5वें पायदान पर खड़ी है, जबकि 5 में से 3 जीत और 2 हार के साथ आरसीबी 6वें और इतने ही मुकाबलों में 6 अंकों के साथ सनराइजर्स हैदराबाद 7वें पायदान पर मौजूद है। वहीं दिल्ली कैपिटल्स ने अब तक सबसे कम 4 मुकाबले खेले हैं और उसमें 2 जीत और 2 हार के साथ टेबल में 8वें स्थान पर मौजूद है। लेकिन फिलहाल आरसीबी और दिल्ली के बीच मुकाबला जारी है और दोनों ही टीमों के पास पॉइंट्स टेबल में अपनी स्थिति बेहतर करने का मौका होगा और यहीं पर दो सबसे सफल टीम चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस संयुक्त रूप से 9वें और 10वें पायदान पर लटकी हुई हैं। हालांकि चेन्नई ने 5 में से 1 मुकाबला जीता है, लेकिन 5 बार की विजेता मुंबई इंडियंस अपने शुरुआती 6 मुकाबले हार चुकी है और उनके लिए लगभग ये सीजन समाप्ति की ओर चल पड़ा है। लेकिन अभी भी एक छोटी सी उम्मीद की किरण उनके लिए दिखाई दे रही है, लेकिन ऐसा पॉसिबल होने के लिए मुंबई इंडियंस को एक करिश्मे की उम्मीद करनी होगी। यहां से मुंबई को अपने बचे हुए 8 में से कम 7 मुकाबले जीतने होंगे। इसके अलावा अपने नेट रन रेट को भी बेहतर करने पर ध्यान देना होगा, साथ ही साथ अंत में दूसरी टीमों के नतीजों पर भी निर्भर रहना पड़ सकता है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि मुंबई इंडियंस के लिए 2022 का सीजन खत्म हो चुका है और शायद यहां से प्लेऑफ में पहुंचना उनके लिए लगभग नामुमकिन ही होगा। लेकिन दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, क्या मुंबई इंडियंस यहां से भी टॉप 4 में जगह बनाने में कामयाब हो पाएगी या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और क्रिकेट की जुड़ी सभी खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे YouTube चैनल क्रिकेट इन इंडिया को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।